शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम पंजाब से कर रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। पंजाब की जनता का मूड क्या है, वोटर्स क्या कहते हैं, युवाओं का रुख किस तरफ है, पंजाब की महिलाएं कहां जा रही हैं, किसके साथ जाती नजर आ रही हैं, किस पार्टी का दामन थाम रही हैं, पंजाब में क्या किसान का मुद्दा चलेगा, क्या किसान आंदोलन का असर पंजाब चुनाव पर देखने को मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पंजाब चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने लगातार ऐसी ऐसी रणनीतियां बनाई हैं, पार्टी ने लगातार ऐसे घोषणा पत्र जारी कर दिए जिससे पंजाब में कांग्रेस की स्थिति 90% तक मजबूत हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को टक्कर देने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टक्कर देने के फुल मोड में है। अरविंद केजरीवाल ने सोच समझ कर भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए सीएम चेहरा खड़ा कर दिया। इसके साथ ही बहुत सारे ऐलान उन्होंने किए कर्ज माफी का, किसानों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी बड़ी कोशिशें की हैं, अमरिंदर सिंह के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन पंजाब की जनता ये देख रही है कि बीजेपी और कैप्टन ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इनका मकसद क्या है, केवल और केवल हो हल्ला करना, जनता को परेशान करना। इनका मकसद केवल ये है कि केवल राजनीति करो और किसानों पर लाठी चलाओ। क्योंकि किसान आंदोलन के समय हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो कहां से आए थे, पंजाब से आए थे, जो किसान जो है वो खुलकर बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, वो अपने हक की बात कर रहे थे। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि पंजाब का मुद्दा किस तरह से बढ़ता चला गया, पंजाब आंदोलन की जो है असर वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें, इस बार जो युवा है वो भी कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है। इस बार पंजाब के किसान जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है क्योंकि किसान आंदोलन को शुरू से जो समर्थन करने का काम किया वो किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी लगातार किसान आंदोलन को समर्थन करती रही हैं, प्रियंका गांधी लगातार किसान आंदोलन पर बात करती रही हैं, उन्होंने किसानों का मंच भी साझा किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटती है उसमें जो किसान मारे जाते हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करने सबसे पहले प्रियंका गांधी आती। तो आज किसान ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा फर्क देखा जा रहा है, आज किसान ये देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े हद तक रणनीति बदली जा रही। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ जाती नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वो पंजाब की जनता को लुभाने के लिए हर एक वो वायदा कर चुके हैं जो करना चाहिए था, यानी कि फ्री का ऐलान अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पंजाब की जनता भगवंत मान को अपना सीएम चेहरा स्वीकार कर रही है, क्योंकि भगवंत मान जिनकी छवि अच्छी नहीं है, भगवंत मान जिन्हें कई बार देखा गया है कि जब सभा होती थी या फिर जब मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो शराब वगैरह ड्रिंक करके चले आते थे और किस तरह से वो वहां पर ड्रामा करते थे, और कई बार देखने को मिला है दिल्ली विधानसभा में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें तो कई सभा में इस तरह से देखने को मिला है। तो भगवंत मान की छवि अच्छी नहीं है और जनता ये कहती है कि जो नेता खुद इस तरह की हरकत कर रहा है वो देश जनता को क्या सुधारेगा, वो पंजाब को क्या सुधारेगा। और पंजाब में जो मामला चल रहा है वो नशे का मामला बहुत चल रहा है। पंजाब में इस तरह की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही, यानी कि पंजाब में हर एक परिवार के अंदर से कम 3 से 4 सदस्य इसके आदि हो चुके हैं। तो ये देखा जा रहा है कि पंजाब जो है वो धीरे धीरे किस तरह से एक ऐसी बुरी लत की आदत उनको होती नजर आ रही है जो पंजाब की जनता के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। लेकिन पंजाब की जनता वो भगवंत मान को पसंद नहीं कर रही है। अभी हाल ही में कुछ सर्वे सामने आए थे जिनमें पंजाब की जनता ने भगवंत मान को नकार दिया, क्योंकि भगवंत मान की छवि अच्छी नहीं है। मैं चन्नी की बात कर लेता हूं तो चन्नी उनसे काफी गुना सही दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चन्नी एक दलित परिवार से हैं, चन्नी किसानों का दर्द समझते हैं, चन्नी पंजाब की जनता का दर्द समझते हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया
है और जनता उनसे खुलकर जुड़ती हुई भी नजर आ रही। तो हम ये भी देख रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी भी लगातार चन्नी के समर्थन में दिख रहे हैं, वो चन्नी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने देखिए उत्तर प्रदेश में जब एंट्री की तो किस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला, किस तरह से स्थिति बदलती नजर आई। तो ये आज देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव संभव है, आज बहुत बड़े हद तक बदलाव दिखता नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए ये वही राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस जो हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है, जनता के साथ खड़ी रही है। तो हम कई कई मुद्दों पर बात भी कर चुके हैं, हम कई मुद्दों पर जो है जनता से आगे देखने को मिला है, हमने उनसे बातचीत भी की है। तो जनता इस बार कहीं ना कहीं बदलाव की बात कर रही है, और ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 70 साल राज किया, देश में 70 साल राज करके चीजों को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में 70 साल राज करके कांग्रेस ने जितना बनाया मोदी और बीजेपी की सरकार ने उसको पूरी तरह खराब किया। तो आज यही देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीजें बदल रही है, बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, और जिस तरह बदलाव हो रहा है ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं स्थिति अलग हो रही है। हालांकि यहाँ पर मैं बात करूँ जनता की, हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, तो उनका रुख साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थन में नहीं है, वो अमरिंदर के साथ नहीं है, वो अकाली के साथ नहीं खड़े, लेकिन वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। तो पंजाब देखिए, मैं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की अगर बात करूं तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के जब नतीजे आए तो हमने देखा निकाय चुनाव के नतीजे किस तरह आम आदमी पार्टी पहले स्थान पर रही, यानी कि जनता कैसे आम आदमी पार्टी को पहला मौका देने की बात कर रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फ्री का जो लालच दिया है, फ्री के लालच में ही आज पंजाब की जनता बट रही है, कुछ कांग्रेस के समर्थन में दिख रही है, कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिख रही है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो फिलहाल जो दोनों के बीच टक्कर है और दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो हूबहू सेम है। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने फ्री का ऐलान दिया है, दोनों राजनीतिक पार्टी किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है वो स्कूल कॉलेज शिक्षा स्वास्थ्य इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के घोषणा पत्र में लगभग सेम समानता ही देखने को मिल रही, क्योंकि पंजाब की जनता को अपनी तरफ करने के लिए जाहिर सी बात है फ्री का अगर लालच आम आदमी पार्टी दे रही तो वो कांग्रेस ने भी दिया है, और कुछ इसी तरह का काम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की तरफ से भी किया गया। तो जनता ज्यादातर फ्री की तरफ भागती है, जनता चाहती है कि उनका बिजली चलती रहे लेकिन बिजली बिल माफ हो, वो चाहती है कि उनकी जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो जनता महंगाई कम चाहती है। तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो जनता इस बार उठा रही है, जनता इन यही देख रही है कि कौन राजनीतिक पार्टी उनके हक की बात कर रहा है, कौन सियासत की बात कर रहा है। तो ऐसे में टक्कर तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक किसको फायदा मिल रहा है, कांग्रेस को। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।